अच्छा इसी में चल रहा है जी। जी कितने आते हैं यहाँ पे जिम में लोग? सर 90 यार। इसके अंदर दारू? ये बताओ जिम के अंदर दारू? ये तो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होगा ये? जी जी इसको एक्सरसाइज ऑफिसर को बुला के उनका इनका एक्सरसाइज। लेकिन यार जिम के अंदर दारूबाजी चल रही अच्छी बात नहीं सर। इसमें और है? अरे मैं अरे बताइए जिम से चल रहा धंधा असली है। ओहो बताओ तो इनका चलान चलान हो जाए एक्सरसाइज का। होटल जगतपुर के बराबर वो डब के आया चाय ना। ये क्या चीज़ है? कैसी कैसी चीज़ें खिला रहे लोगों को। और शराब की बोतलें वहाँ पे मिली हैं, इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं। तो मेरा सबसे पहले तो इसमें ये कहना है कि जिम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी हेल्थ के लिए जाता है, एक हेल्थ गिविंग जगह है, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हों तो काफ़ी गलत है। बेटा चेंज रूम दिखा दो। वही देखना चाह रहे थे। वैसे मेरे को तकलीफ नहीं जिम से। टॉयलेट है? ये अलमारी? अलमारी देख रहे हैं? देखो इंजेक्शन तो नहीं पड़ा हुआ? बियर इसके अंदर दारू? ये बताओ जिम के अंदर दारू? जिम के अंदर ये जिम से इससे बॉडी बन रहे दारू? ये तो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होगा ये? जी जी इसको एक्सरसाइज ऑफिसर को बुला के उनका इनका एक्सरसाइज। अब तो खोलने पड़ेंगे भाई तुम्हें। गॉड फादर इलेक्ट्रा जी खोलो भाई। ये ताला खोलो, तुम ताला खोलो। आप पकड़ लीजिएगा सर लेकिन यार जिम के अंदर दारूबाजी चल रही अच्छी बात नहीं सर। इसमें और है? अरे अरे बताइए जिम से चल रहा धंधा असली है? ओहो बताओ यार बताओ जिम के अंदर हम तो आए थे चौंक देखने। ये कौन सी दारू? ऐसा तो नहीं दारू सप्लाई हो रही है? लेकिन ये सारे ताले खोलो यार, ये तो गलत बात है। इसका आबकारी में चलान करना पड़ेगा। क्या नाम है जिम का? अभी बहुत जिम से मुझे छापा मारना पड़ेगा सर। स्नूकर से यही चल रहा है? स्नूकर तो स्नूकर कितने हैं? स्नूकर तो सर शहर में यहाँ पर आती है। तो ये तो प्रतिबंधित एरिया भी है ना? सिगरेट सर, सिगरेट सब नगर निगम से पूरी दुकान चलती है। तो प्रतिबंधित क्षेत्र है इसमें? बहुत बुरा हाल चल रहा है। खोलो सारे। अरे प्रशांत मैं आया था यहाँ ज्वालापुर में मॉडल कॉलोनी में। तो ये प्रतिबंधित एरिया, दारू वारू पड़ी हुई है इनके बराबर में। तो इनका चलान चलान हो जाए एक्सरसाइज का। होटल जगतपुर के बराबर वो डब के सर। ये तो मल्टीविटामिन नहीं, आप कैसे बेच सकते हैं सर? बेच नहीं सकते। ये तो लॉकर में लड़के वगैरह की रखी हुई है। ये क्या डाया डाया ना? ये क्या चीज़ है? कैसी कैसी चीज़ें खिला रहे लोगों को सर? मल्टी अंदर दारू बहुत गलत बात है। वैसे जिम क्यों क्यों कर रहे हो ये सब काम? में प्रतिबंधित क्षेत्र में हरिद्वार के अंदर दारू वारू बिकवा रहे हो? गलत बात है। वो निकालो वो जो बियर रखी है तो खाली भी तो कम थोड़ी ना है वो। ये गॉडफादर बियर गलत बात है यार। ये हरिद्वार में आप ये सब कर रहे हो, वो भी इनसाइड है, इनसाइड है जिम, आउट ऑफ ऑल प्लेसेस। तो प्रतिबंधित तो है ही जिम जो है, हेल्थ गिविंग जगह है। अरे दवाइयां भी वही है। कौन सी कर अर्चना फोटो खींचना? जिम जेम्सियम जेम्सियम क्या होता है आप लोग खाते हैं? बताओ यार। वो तो मैं ऐसे ही मुड़ गया, मुझे जिम देख लेते हैं। मैं तो पेट्रोल पंप देखने आया था सर। यहाँ सर अचानक
अभी पूरी कंप्लीट कहाँ हुआ छप जल्दी जल्दी घर भागने की आप गिरी रुकी है सारे खुल गए चाबी तो इन्हीं के पास थी है खुल क्यों नहीं रहा और कौन कौन सी 8 PM पे सब है सर देखो यार जितने हाई फाई है एक दो ये भी तो नहीं खोला मनीष ये भी खोल मैं सर हां अच्छा हाथ से मारो नहीं दवाई नहीं पकड़ दिखाना भाई हाथ शहर में जिम कितने हैं मिश्रा जी ये मोड़ में कम दस होंगे आपके हिसाब से सब में चल रहा है सब में चल रहा है स्नूकर में स्नूकर में ज्यादा है जुआ शराब आपने कौन से वाले में देखा था ये बिल्कुल ये रहा है मिनट का 2 मिनट का चलो इसके बाद बंद तो नहीं होगा इसका बताओ पहले जिम का इसका बताओ इससे बता लो जिम ने तो यहां पे बहुत बड़ी लड़ाई हो रखी है लड़ाई नहीं मतलब दारूबाज वगैरह तो गलत बात है ना दारूबाज की क्या बात है काम की बात होता हो आप केवल जिम से संबंधित कोई सूचना है असली बात है ठीक है पर ये बताओ यार ये ड्रिंक कौन कर रहा है रोज ये लोग जी क्या मनीष टॉयलेट में तो नहीं भाई इसके अंदर क्या इतना ही प्राइवेट स्पेस है और भी होगा ना नहीं नहीं सर यही प्राइवेट स्पेस यही है आप आते हैं नहीं नहीं मैं आता नहीं हूं उसमें ही रहता हूं चेंजिंग रूम कहां है यही चेंजिंग रूम यही है ना इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है जिम ऊपर रेजिडेंस है इनका चेंजिंग ऊपर क्या रेजिडेंस है इनका घर है घर में क्या दारू घर अभी मैं चेक नहीं करना चाहता लेडीज वगैरह होंगी अभी घर पे अरे इट्स नॉट राइट बोलो भाई थोड़ा थोड़ा उसको देख के आओ या तो हमारे पास अभी लेडी स्टाफ होता चला जाता घर में तो लेडी स्टाफ नहीं मेरे पास ना घर चेक नहीं करता नहीं नहीं ये अपना घर है मैं 24 घंटे नहीं नहीं मैं नहीं चेक करेंगे मैम ये बहुत गलत बात है मैं ही साफ सफाई करवाती हूं नहीं बट एटलीस्ट आप ये सब क्यों कर रहे हैं मैम ये जिम में सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए ड्रिंक्स वगैरह तो जिम में नहीं चलनी चाहिए गलत बात है मैं 24 घंटे मैं ही रहती हूं सफाई वगैरह नहीं तो फिर ये तो फिर ये कौन शराब ला रहा है यहां पे सारी लेडीज वगैरह सब साफ सफाई सब वही करती हैं लेडीज सफाई वाली भी लेडीज है आपके बेटे हैं हां जी क्यों कर रहे हैं मैम ये ड्रिंक्स वगैरह यहां पे जिम के अंदर यहां तो काम करने वाली भी मोस्टली सब लेडीज ही हैं सफाई करती हैं वो भी लेडीज करती हैं मैं हर चेक नहीं कर रहा हूं जी कल ऊपर है ना जी जी वहां तो नहीं रखा कुछ जी सर सफाई भी मैं ही लेडीज आती हूँ उससे मैं ही करवा के जाती हूँ तो फिर आपको कितनी बार शराब की बोतलें मिली मुझे तो कभी नहीं मिली बिटिया मेरी बिटिया है छोटी छोटी वो भी सफाई मिली वही सफाई वगैरह भी हम खुद ही कराते हैं सफाई नहीं हो रही है बच्चा सुन कर दिखा रहा था चलो 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 कई दिनों से मुझे इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि हरिद्वार में बहुत से जिम्स ऐसे हैं जिनमें कि शराब दी जा रही है या प्रतिबंधित जो हैं दवाइयाँ सिरिंजेस प्रतिबंधित आपके स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं तो ये देखते हुए ये छापेमारी मैंने कल की थी और एक जिम में जिसका मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ काफ़ी मात्रा में इस तरह की प्रतिबंधित चीज़ें मिली और शराब की बोतलें वहाँ पे मिली हैं इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं तो मेरा सबसे पहले तो इस पे ये कहना है कि जिम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी हेल्थ के लिए जाता है एक हेल्थ गिविंग जगह है और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हों तो काफ़ी गलत है। सेकेंडली यहाँ पे लेडीज़ भी जाती हैं उनकी सिक्योरिटी का भी हमको ध्यान रखना होगा और ये भी देखना है कि हरिद्वार एक धार्मिक जगह है इसका अपना एक कैरेक्टर है जो कि रिलीजियस है तो
ये प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ पे कि शराब मिल ही नहीं सकती है वहाँ पे मिल रही थी। ये देखते हुए जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि संबंधित धाराओं में इस जिम का चलान करें।